यहाँ दोस्तों चंद्रमा पर कुछ ऐसा मिल गया जिसकी वजह से पूरे के पूरे इसरो टीम की छुट्टी रद्द कर दी गई है। आनन फानन में इसरो चीफ ने पूरे के पूरे इसरो के कर्मचारियों की साइंटिस्टों की छुट्टी रद्द कर दी है। चंद्रयान 3 ने कुछ ऐसे सिग्नल भेजे हैं जो कि काफी ज्यादा डरावने सिग्नल हैं। तो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कुछ ऐसे सिग्नल आ रहे हैं जो कि चंद्रयान 3 के लिए भी समस्या खड़ी कर सकते हैं। अब ऐसे में दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर अभी किसी देश ने कदम नहीं रखे तो फिर चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से सिग्नल कैसे आ सकते हैं? अब सवाल ये उठता है, क्या ऐसा कभी पहले हुआ है? सवाल ये भी उठता है, क्या भारत के चंद्रयान 3 के लिए एक बहुत ही बड़ी मुसीबत आ चुकी है? आज के इस वीडियो में आप लोग को यही बड़ी खबर देने वाले हैं। बस वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग से एक छोटी सी प्यारी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप लोग हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है, जाइए फटाफट चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन पे प्रेस कर लेना ताकि हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। और अगर आप भी चाहते हो कि हमारा चंद्रयान 3 मिशन सफल हो तो वीडियो को एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों हम बात कर लेते हैं चंद्रयान 3 पर ऐसी कौन सी बड़ी मुसीबत आ चुकी है, ऐसे कौन से सिग्नल चंद्रयान 3 को मिले हैं जो कि चंद्रयान 3 के लिए समस्या खड़ी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि चंद्रयान 3 लैंडिंग के लिए बिल्कुल तैयार है। इसरो के साइंटिस्ट जैसे ही चंद्रयान 3 को आदेश देंगे वो चंद्रमा की सतह की तरफ बढ़ेगा और कुछ ही घंटों में चंद्रमा पर पहुंच जाएगा। लेकिन दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से जहां पर हमारा चंद्रयान उतरेगा महज उससे 5 किलोमीटर दूर से ही कुछ ऐसे सिग्नल आ रहे हैं जो कि किसी ऐसी चीज के लग रहे हैं जो कि पृथ्वी पर ना निर्मित की गई हो। देखिए दोस्तों आप लोग को पता ही होगा कि हमारा चंद्रयान 3 जो मिशन है वो काफी ज्यादा एडवांस है। अब इसमें लगा जो एआई है वो काफी ज्यादा एडवांस है जो कि दोस्तों ऐसे सिग्नल को कैच कर रहा है और इसरो के पास तुरंत इन सिग्नलों को भेज रहा है। हालांकि दोस्तों खबर यहाँ पे कुछ ऐसी निकल के आई है कि इसरो और नासा इसको लेके डिस्कस कर चुके हैं। नासा की तरफ से ये बताया गया था कि 1970, 1990 और 2002 में जैसे सिग्नल हमें रिसीव हुए थे ठीक उसी प्रकार से चंद्रयान 3 को भी सिग्नल रिसीव हो रहे हैं। अब ऐसे में सवाल ये उठ के आता है, क्या चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर एलियन होने की संभावनाएं हैं? तो दोस्तों इस बात को लेके बिल्कुल भी पुष्टि नहीं की जा सकती है क्योंकि दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भारत ही पहला ऐसा देश है जिसने अपने मिशन को भेजा है। तो यहाँ पे चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कोई बड़ी अनाउंसमेंट नहीं की जा सकती है। लेकिन दोस्तों चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव से कुछ ऐसे सिग्नल प्राप्त होना ये वाकई में चंद्रयान 3 के लिए काफी समस्याजनक भी हो सकते हैं। अब ये कैसे सिग्नल हो इस चीज की पुष्टि अभी बिल्कुल भी नहीं हुई है। हालांकि दोस्तों जो भी अपडेट्स आती है मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से जरूर दूंगा, इसके लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।